जो अगर महेंद्र साहब को अगर शेर नहीं समझा तो उससे बड़ा गीदर कोई नहीं। मैं हूँ सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तो उस तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि साबुद्दीन शेख हमारे यहाँ का उपाध्यक्ष जिले का बहुत पुराना कार्यकर्ता है, जैसा भी काम करता है। उसने इस मोहल्ले को समझा कि हमारे बदरुद्दीन बहुत जुने भाई, हमारे बहुत जुने हैं। अब उनके समझ में नहीं आया, वो पार्टी में गए थे, वो ऐसी पार्टी थी उनको पता भी नहीं था कौन पार्टी था। वो उनसे बोला, मैं भाई जिस कुएं में पानी है उसके अंदर अगर कूदी मारोगे तैरना मजा आता है, जिस बावड़ी में पानी नहीं वहाँ कूदोगे हाथ पर टूट जाएंगे। उनको मालूम पड़ा कि हमारे बावड़ी में बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ तैरने के लिए हमारे पास आए, हम उनको तैरना सिखाएंगे। और राजनीति तो करते ही पहले से, बचा कुछ हम सिखाएंगे और लाइफ में उनको हम अच्छा नेता बनाएंगे। मैं आपके सामने उनको अभी लेटर दे रहा हूँ, भिवंडी शहर का उपाध्यक्ष उनको बनाया जा रहा हूँ। उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत जो करते लोगों सुना, मैं वो और पार्टी में थे और मेरा भी उन्होंने सुना कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे से जुड़ गए हो। अच्छा काम उनके साथ, पूरा मोहल्ला देखे आज मालूम पड़ा कोई मंत्री आ रहा है, उस तरह जुलूस निकाल रहे वो लोग, एक शादी होती है उस तरह उन लोगों ने किया। आज ना प्रधानमंत्री नाके पे कपिल जी पाटिल मंत्री मोदी आए, मेरे को टाइम दिया गया 6 बजे यहाँ पे, लेकिन मंत्री मोदी के सामने साथ में था, मैं आ नहीं पाया। फिर भी मैं आधा सभा छोड़ के उनका आ गया, बोले कि जनता ने राह दे करिए, मैं एक मंत्री के लिए क्या रुकूँ, बोल के वहाँ निकल आया। और मैं आज के दिन बदरुद्दीन के लिए शुभेच्छा दूंगा और उनको मैं भिवंडी शहर उपाध्यक्ष लेटर दे रहा हूँ। इसमें लेटर में लिखा है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित इनका अच्छी तरह काम करूंगा, कोई दिल भय रखूंगा नहीं है, सबके लिए अच्छा काम करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। इस तरह लेटर ये आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सच। बदरुद्दीन अंसारी, भिवंडी शहर उपाध्यक्ष। महेंद्र साहब हमको ये वार्ड का मतलब वो दिए हैं, फिर हमारे साबू भाई से मुलाकात हुई, ये बोले हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। मैं बोले ठीक है भाई, वो तो हमारे भाई हैं महेंद्र साहब, बचपन से हम उनके सामने जवान हुए हैं, तो उनके पार्टी में हम आना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, हम बात कर रहे हैं, बात किए तो साहब बोले ठीक है तुम आ जाओ, हम तो काम करने वाले हैं, मेहनत से अपने जितनी जनता है अपने जनता को अपन खुश करने वाले हैं, तो ये पार्टी हमने अटेंड किया। 500 से 700-800 कार्यकर्ता होंगे फिलहाल, देखा ना कुछ थ्रल आप लोगों ने, और आप लोग देख ही रहे कितनी पब्लिक है, कितने कार्यकर्ता, ये सब हमारे हैं। बहुत हमको भरोसा है और भरोसा करते हैं, और भरोसा करके ही इस पार्टी को ज्वाइन किए। काम करके दिखाएंगे, जो हमको पद मिला है वो पद हम अपना लोग को काम करके दिखाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे क्या नहीं करना चाह रहे। हमारी पार्टी यस है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सैयद जीशान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।